सुबह से मैं काम करने में ही बिजी हूँ और क्या काम कर रही हूँ आपको दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए मैं क्या काम कर रही हूँ आपको दिखाऊंगी। सुबह मैंने काम यही किया कि यहाँ के जो ये सूखा हुआ घास और हरे घास थे उसको निकाल दिया, क्योंकि यहाँ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए। और अब मैं चाय नाश्ते में लग जाना है मुझे, और यहाँ का काम यहीं छोड़ दूंगी, फिर शाम को करूँगी या कल करूँगी। तो दिन भी बहुत छोटे छोटे होने लगे हैं इसलिए काम करना ही मुश्किल हो रहा है। और इधर मैं बनाने वाली हूँ चाय, चाय बनाने के लिए मैं इससे दूध को भी उमल रही हूँ, और यहाँ मैं पानी गर्म कर रही हूँ। और इधर आइए मैं आपका मेरा छोटा सा गार्डन भी दिखाऊँगी। और गार्डन में यहाँ ये हो रखे है फूल गोभी और राई। और इधर आइए मैं आपको दिखाती हूँ हमारा और ये देखिए, ये मैंने उस दिन लगाया था और वीडियो भी बनाया था ना, वही वाला राई है ये। और ये फूल गोभी। और इधर आइए मैं आपको दिखाती हूँ हमारे इस साल के पहले लौकी हो रहे हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे लौकी हो रहे हैं, और लौकी मेरा ना फेवरेट है इसलिए मैं इसको रोज़ देखती हूँ कब बड़ा होगा कब बड़ा होगा, ये मैं यहाँ रोज़ देखती हूँ। और लौकी ना हमारे घर में भी होता है, साल में दो सीज़न में ही होता है, कभी कभी एक सीज़न में होता है, पर हमारे घर में ना लौकी होता तो है। और अपना घर का लौकी ना बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इधर देखिए गढ़वाल के फूल, इसको ना यहाँ कल एक सफ़ेद वाला फूल खिल गया था, और इसको मैं मेरे आगे के फ्लावर गार्डन में ले जाऊंगी। और इधर देखिए मैंने एक छोटा सा यहाँ भी बनाया है गार्डन सब्जी का। और ये मैंने सुबह ही राय को निकाला था, दीदी के वहाँ से लाई थी, और इसको धो के मैंने यहाँ रख दिया है। और इधर देखिए मेरा छोटा सा गार्डन, और यहाँ मैंने प्याज और लहसुन ऐसे लगाया है, और ये गार्डन में राई लगाया है। और यहाँ मेरा हो रखा है धनिया, और सामने यहाँ खरपतवार भी हो रखे हैं, उसको मैं निकाल दूँगी आज। और यहाँ फिर मैंने राई लगा दिया है और वो भी निकल रहा है छोटा छोटा होके। और यहाँ मैंने थोड़ा सा आलू भी लगाया है। और इधर से यहाँ फिर फूल गोभी भी दिखा रही हूँ मैं। और यहाँ देखिए राय कितने अच्छे हो गए थे, और गाय ने खा दिया सब, इसलिए अब ये ऐसा हो रहा है, पर ये जल्दी बड़ा होगा। तो चलिए फटाफट दोपहर का लंच बनाते हैं। और मैं आज दोपहर के लंच में ये राय के साग और आलू मैंने कर लिया है, वो आलू बनाऊंगी। और मैं साग को बनाऊंगी इस कुकर में, कुकर मैंने चूल्हा में चढ़ा दिया है। और जब से मैंने ये चूल्हा बनाया है ना, तब से मैं यहाँ रोज़ ही बनाती हूँ खाना, रात का भी दिन का भी, चाय नाश्ता भी सब मैं यहीं बनाने लगी हूँ अब, क्योंकि यहाँ ना सुबह से धूप भी आता है, देखिए कितनी अच्छी से धूप आता है। और ये टमाटर अदरक और मिर्च को मैंने इसे कट कर लिया है, और मैं यहाँ इसको भून रही हूँ। और ना चूल्हे का खाना तो बहुत टेस्टी होता है, मुझे भी अब ऐसा ही लगने लगा है कि चूल्हे का खाना टेस्टी होता है। और ना मैं अंदर गैस में अब जाना ही छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए ना धूप भी कितनी अच्छे से लगता है यहाँ, और ठंड में ऐसे धूप में बैठकर बनाना और यहाँ बैठकर खाना कितना मज़ा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए मैं राई यहाँ कुकर में ऐसे डाल रही हूँ, और मैं आज कुकर में बनाऊँगी। कुकर का भी साग या जो भी सब्जी हो बहुत टेस्टी होता है। और मैं साग के साथ चावल बनाऊंगी। और ये देखिए इस हरे भरे साग को अब मैं ढक्कन लगा दूंगी, और ढक्कन लगाने के बाद दो तीन सीटी इसमें लगा दूंगी, एक सीटी से भी हो जाएगा, पर मैं आज दो
दो या तीन सीटी लगाने वाली हूँ कि अच्छे से पके हुए साग खाना है आज मुझे। और ये देखिए रेडी हो गया है, और देखिए कितना टेस्टी टेस्टी लग रहा है साग और आलू। अब मैंने यहाँ चावल को चढ़ा दिया है चूल्हे में, और यहाँ मैंने टमाटर को ऐसे आग में पकने के लिए रख दिया है। और ये टमाटर हो गया है रेडी। टमाटर, अदरक, मिर्च और धनिया की अचार बनाऊंगी मैं सिलकट्टे में। ये देखिए और रेडी हो गया अचार। अब मैं यहाँ परोस रही हूँ तो मेरा दोपहर का लंच। और देखिए कितने टेस्टी टेस्टी लग रहे हैं ना सब्जी साग की, और ये अचार धनिया और टमाटर की। और धूप में बैठकर खाने का बात ही और मज़ा है, क्योंकि ठंड के दिन हैं।